विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ की ज्योति के दर्शन किए और माँ का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ज्वालामुखी मंदिर में छठे नवरात्रि को हजारों श्रद्धालु लाइनों में लगकर ज्वाला माँ की ज्योति के दर्शन किए और हवन कुंड में श्रद्धा की आहुतियां भी डाली और जयकारे भी लगाए गए। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ की ज्योतियों के दर्शन किए और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि ज्वालामुखी मंदिर में छठे नवरात्रे को हजारों श्रद्धालु लाइनों में लगकर ज्वाला माँ की ज्योतियों के दर्शन किए और हवन कुंड में श्रद्धा की आहुतियां भी डाली और माता के जयकारे भी लगाए। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पीने के पानी की जगह जगह पर व्यवस्थाएं की गई हैं। पुजारी अभिनेंद्र शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में छठे नवरात्रे को कात्यायनी माता के रूप में ज्वाला माँ का पूजन किया जाता है और कात्यायनी माता का पूजन करने से कुंवारी कन्याओं को अच्छे बल की प्राप्ति होती है। ज्वालामुखी मंदिर एक शक्तिपीठ है, इसलिए मंदिर में हवन करने का बहुत महत्व होता है। ज्वालामुखी मंदिर में अग्नि रूप में ज्वाला माँ साक्षात विराजमान है। मंदिर में हवन की 5 आहुतियां डालने से पूरे दुर्गा सप्तशती हवन का फल मिलता है और बाहर से आने वाले श्रद्धालु हवन आहुतियां डाल रहे हैं और पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं। माता की सभी भक्तों को श्रावण मास के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। आज महामाई ज्वाला जी के मंदिर में छठे नवरात्रे के रूप में महामाई कात्यायनी के रूप में महामाई का यात्रीगण पूजन कर रहे हैं। कात्यायनी देवी सभी बच्चों को सभी बेटियों को अच्छा बल प्राप्त करने में सभी की अभिलाषाओं को पूर्ण करती है और जो ज्वाला जी शक्तिपीठ है यहाँ हवन का बड़ा ही महत्व है क्योंकि ज्वालामुखी अग्नि के रूप में यहाँ प्रज्वलित है तो यहाँ पर 5 ज्योति डालने से भी दुर्गा स्तुति के हवन का फल मिलता है। तो आज के दिन लोग महामाई ज्वालामुखी के मंदिर में पहुँच कर हवन यज्ञ में आहुति डालकर महामाई को प्रसन्न कर रहे हैं और आज भीड़ भी अच्छी देखने को मिल रही है और मंदिर के प्रशासन अच्छे बहुत किए हुए हैं। लंगरों की अच्छी व्यवस्था की उनकी पोस्ट भी बढ़िया है और आज से मंदिर 3 दिनों के लिए 24 घंटे खुला रहेगा ताकि यात्रियों को बड़े आराम से दर्शन हो सके। पंजाब से आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रों में ज्वाला माँ के दर्शनों के लिए आए हैं और माँ के दर्शन करके उन्हें बहुत आनंद आया। उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से पीने के पानी की व्यवस्था व गर्मी से बचने के लिए पंखे लगाए हुए हैं। प्रशासन का इंतजाम कैसे सीखा? प्रशासन का इंतजाम बढ़िया जी, पीने पानी भी है, पक्के पुखे लगे हुए हैं, बढ़िया मत जी। असि हरियाणा तो आए, मेरा नाम बिट्टू है, यदा नाम वकील है, ये टहल सिंह ने, तो असी मतलब बड़ी श्रद्धा लैके आए हैं जी उरे दरबार से, तो बहुत वधिया माहौल है जी, बहुत शांति का माहौल है, बहुत सोहना लगे जी, हजारा लखा श्रद्धालु लगे हुए हैं लाइन से, तो मतलब बहुत खुशी मिल रही है सानू, मतलब मंदिर के दर्शन करके बहुत। प्रशासन का इंतजाम कितना है? प्रशासन का इंतजाम एक नंबर है जी, बहुत वधिया प्यार बोलते हैं सब, बहुत आराम गल करते हैं जी, बहुत वधिया लगे सानू। 6वां नराता चल रहा है जी, मैं कहना जी आनंद है जी पूरा। जय माता दी, जय माता, जय माता।